नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बहुत से ऐसे भ्रम हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक धर्म संकट में डाल देते हैं और कहीं ना कहीं अंधविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। तो बहुत से भ्रम आज आपके मैं दूर करूँगा जिनके विषय में औरतें बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं और बहुत सारे आदमी भी इसको एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव वे में लेते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन भ्रम जो चल रहा है काफ़ी लंबे समय से वो ये है कि अगरबत्तियाँ नहीं जलानी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि भाई आप अगरबत्ती के फेवर में हैं या नहीं है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। जो हवाला दिया जाता है अगरबत्ती ना जलाने का वो होता है बांस, कि इसके अंदर बांस जलता है और अक्सर इसको लिंक कर दिया जाता है इस चीज़ से कि मुर्दे को जलाने के लिए भी बांस का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी, क्योंकि बांस जलाया जाता है मुर्दे को जलाने के लिए। तो आप घर में अगरबत्ती जला रहे हो तो बांस जला रहे हो। तो ये जो एक लिंकेज बिठाया गया है, ये लिंकेज ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है, बहुत ही गलत है और बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहूँगा कि इनका कोई लिंकेज ही नहीं है। बांस एक क्या है, बैम्बू क्या है, एक प्लांट है और सबसे ज़्यादा शुभ प्लांट है। अगर आप बैम्बू के अपने यहाँ लगाते हो घर में पौधा, बैम्बू का इतना ऊंचा जाएगा, इतना सुंदर लगेगा वो। लोग खेतों में उगाते हैं उन्हें क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस हैं। और सबसे बड़ी बात है जो स्ट्रेंथ होती है बैम्बू की, बांस की, तो वो खाली इस चीज़ के लिए नहीं कि मुर्दों को जलाया जा रहा है। अगर आप वाराणसी के घाट देखें, कहीं भी देखें, क्योंकि ये आसानी से जल जाता है, ये इजीली हेल्प कर देता है बॉडी को जलाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जला के उस बॉडी को पंच तत्वों में मिलाया जाता है, उसमें लकड़ी भी डाली जाती है, बांस भी डाला जाता है और तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। और जैसे यहाँ पे हेड पे मारा जाता है डेड बॉडी के, तो भी बांस से किया जाता है, जिससे कपाल क्रिया भी कहते हैं कि यहाँ का जो आपका मेन आपका जो फोड़ते हैं हेड, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ का यूज़ ना कर सके और कोई भी गलत इंसान भी इसका इस्तेमाल ना कर सके आपके ब्रेन का। तो मेन चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि बांस अशुद्ध हो गया या बांस का यूज़ और चीज़ों में नहीं हो सकता। अगर हम कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा बांस यूज़ होते आ रहे हैं पता नहीं कितने सालों से और अब भी यूज़ हो रहे हैं। शटरिंग जो लोहे की है तो अब आई है, पहले बांस से ही बांधे जाते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे पेंट करने के लिए, आज भी बांधे जाते हैं, पेंटर्स यूज़ करते हैं। बांस की ही सीढ़ी बनाई जाती है, बड़ी बड़ी ऊंची लंबी सीढ़ियाँ बनती हैं जिस पे पेंटर चढ़ के पेंट करते हैं। यहाँ तक कि घोड़ियाँ बनती हैं बांस की पेंटिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन में आज भी बांस बांधे जाते हैं। और बहुत लोग हैं जो शटरिंग लोहे की अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बांस यूज़ करते हैं। तो क्या वो उनके लिए भी अशुद्ध हो गया कि भाई जो है यूज़ नहीं कर सकते? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर में जो चिक बनती है वो बांस की होती है, आपने देखा होगा। आप दिल्ली जाकर देखो, पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े बंगलोज देखो, सारे में बांस की चिक बनाई हुई होती है, पूरी ग्रिल को कवर कर रखा होता है, फेंसिंग कर रखी होती है बांस की चिक से एंड उसे ग्रीन पेंट कर रखा होता है। अगेन ग्रीन पेंट बुध के लिए किया जाता है ताकि दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा शातिर बने, इंटेलिजेंट बने, समझ सके, क्योंकि पॉलिटिक्स डम लोगों के लिए नहीं है। तो बांस अगर अशुभ होता तो इतने सारे पॉलिटिशियंस के घर के बाउंड्री वॉल पे बांस लगा हुआ है। कि ये मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी ने किसी के माइंड में भ्रम डाल दिया, किसी सज्जन के, कि आपने सारे में बांस की चिक लगा रखी है तो बांस तो जलाया जाता है मुर्दे के लिए, तो ये तो बहुत अशुद्ध है घर के लिए, अशुभ चीज़ आपने कर ली। तो उन्होंने आज कंसल्टेशन की, उन्होंने कहा कि हमने किसी वास्तु वाले को दिखाया, उसने कहा कि जो ये बांस लगा रखे हैं, बांस की चिक बना रखी है, इससे नेगेटिविटी हो रही है क्योंकि बांस तो जलाते हैं जी, भूत प्रेत चिपट जाएंगे, मुर्दे को जलाने के लिए बांस यूज़ होता है। मैंने कहा ये वो बांस तो है नहीं जिसपे मुर्दा जला था और वो बांस आप उठा के ले आए हो। मैंने कहा तो फ्रेश बांस है जो आपने कटवा के चिक बनवाई, फिर उसको फेंसिंग के लिए लगवाया। एंड तो आप क्यों मतलब इस भ्रम में पड़ रहे हो? मतलब उसको इतना उस वास्तु वाले ने डरा दिया कि लिटरली है कि एक वो इंस्ट्रूमेंट लेके यूं करके लट्टू घुमा दिया, जो है बांस की तरफ उल्टा लट्टू घुमा दिया, अरे नेगेटिविटी आ रही है, बांस लग गया, ऐसे करके पागल बना दिया। तो लिटरली इस चीज़ को देख के बहुत अजीब लगता है कि लोग कैसे इस तरीके से कर देते हैं। तो बांस का जो मेनिया है घर में वो मत डरिए, बांस बहुत शुभ है, ये पौधा प्रकृति ने दिया हुआ है पेड़, और कितना यूज़फुल है आप देखो, इससे ज़्यादा शुद्ध और शुभ
जो प्लांट है वो क्या होगा जो आपके कंस्ट्रक्शन में भी काम आ रहा है, जिससे आप अगरबत्ती बना के अपने घर में ऑफिस में खुशबू भी कर पा रहे हो, जिससे आप फेंसिंग घर की करके घर की प्रोटेक्शन और हाइडिंग भी कर पा रहे हो, यहाँ तक कि चटाइयाँ भी बनती हैं, और जो आपके मरने के वक्त भी काम आ रहा है, जिसके जिसके द्वारा आपके शरीर को जलाया भी जा सकता है, उसको पंच तत्वों में मिलाने के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो इससे ज़्यादा शुभ चीज़ क्या होगी। तो और बहुत लोगों की रोजी रोटी है यही बांस, जिससे वो सीढ़ियाँ बना बना के बेचते हैं। आप जाके देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन जगह पे लेबर्स वगैरह को इन बांसों की ज़रूरत होती है, चालियाँ बनती हैं बांसों की, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है प्लास्टर करने के लिए, कोई भी चिनाई का काम करने के लिए। तो इसलिए बांस को अशुभ मत मानिए। आप अगरबत्ती अगर बांस की जलाते हैं तो भी कोई भी कुछ भी गलत नहीं आप कर रहे, अगर आप अपने घर में बांस की फेंसिंग लगाते हैं तो उससे भी कोई भी कुछ भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं हो रहा, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता ना करें। बहुत लोग ये भी कह देते हैं वास्तु दोष के नाम पे कि भाई आप घर में अगर कोई भी चीज़ किसी ने कर रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक वो कहूँगा आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, हाँ जो मेरे परसों की कंसल्टेशन थी उसमें एक इंसान ने अपने यहाँ फाउंटेन लगा रखा था, जिस जो इलेक्ट्रॉनिक फाउंटेन था जिसमें वाटर का भी फीचर था इलेक्ट्रॉनिक भी था, एंड उसने जो फाउंटेन लगा रखा था तो उसको ये होने लगा कि भाई पता नहीं ये मुझे फ़ायदा दे रहा है या नहीं, नुकसान दे रहा है या नहीं, कहीं इससे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। दोस्तों कोई भी आप एलिमेंट लगाते हो, फाउंटेन की भी अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक राहु एलिमेंट भी हो गया, वाटर एलिमेंट चंद्र भी हो गया, तो आप कोई भी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से पहले सोचिए, कुछ भी चीज़ें घर में वास्तु के नाम पे भरेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब एक बंदे ने अपने यहाँ पे वो जो बुद्धा होता है मनी वाला वो रख लिया, उसकी मूर्ति ला के रख ली एंट्रेंस पे, और उन्होंने कहा कि पैसा तो आ ही नहीं रहा है। अगर मूर्ति जो दुकान पे रखी हुई है तो वो दुकानदार जो इतनी सारी मूर्तियाँ बेच रहा है वो तो अरबोंपति हो जाता। आप कोई भी बुद्धा की मूर्ति मनी वाली घर में रखते हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा? आप कोई उस बुद्धा को पूज नहीं रहे, आप उससे कोई कह नहीं रहे पैसा दे दे, और कहीं पे भी ऐसा विधान नहीं है कि उसको पूजा जाए। तो वही बुद्धा वो जस्ट सिंपली एक मूर्ति है, एक स्टैचू है, एक आर्टिफैक्ट है जो दुकान पे भी मिलता है, दुकान से आपने उठा के ख़रीद के अपने घर में रख लिया, दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है वो बेच रहा है, आपने अपने घर में रख लिया सोच के कि भाई घर में रखते ही करोड़ों बरसने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बुद्धा की मूर्ति पैसे वाली, पैसे दिखाते हुए कोई यूँ हाथ करते हुए तो इससे अरबों रुपया आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हर घर रख लेगा, हर एक कोई अगले दिन अपने घर में महंगी महंगी गाड़ियाँ ले आएगा, सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने दुनिया भर के फ्लैटों में लगा हुआ देखा होगा और जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज़ हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए कि बुद्धा रखने से पैसा आ जाएगा। एक भ्रम और आपका दूर करता हूँ, झाड़ू का इतना हैवक डर बना रखा है, कोई आपकी झाड़ू ना चुरा ले, अपनी झाड़ू किसी को देना मत, लक्ष्मी चली जाएगी। अब किसी के घर में क्या हुआ, एक मेड चुपचाप झाड़ू ले गई चोरी करके, दो चार झाड़ू पड़ी थी, एक नई आई हुई थी, उसने कहा कि मैं ये ले जाती हूँ, सफाई करी, उसने नई झाड़ू निकाली और पुरानी वाली झाड़ू बाहर पटक दी चौक में कि भाई मैं तो नई वाली से करूँगी, ये बेकार हो गई है, और उठा के उसको ले गई। अब वो औरत को इतनी टेंशन हो गई, वो मेरी तो झाड़ू चोरी हो गई, मेरी तो लक्ष्मी गई, मैं तो भाई गए काम से। एंड उसने एक झाड़ू के लिए ही हमसे कंसल्टेशन ली बस, एंड मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका धन कहीं नहीं जाने वाला और आपके पास धन बना रहेगा, आप आराम से मज़े से रहिए। वो लिटरली उस औरत ने मतलब उसके कई ये समझ लो हफ्ते टेंशन में गुजरे, उसने नौकरानी को निकाल दिया, झाड़ा खूब ये है वो है, और उसने जब कुछ दिन देखा ऑब्जर्व किया, हमने कहा आप कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक नॉर्मल है, और वो नौकरानी वहीं एज नौकरानी ही काम कर रही है। तो झाड़ू चुराने से ऐसा तो है नहीं कि उसकी किस्मत बदल गई कि वो अरबपति हो गई, सारा पैसा ले गई। झाड़ू इज़ बेसिकली नॉर्मली एक क्लीन करने के लिए, घर की गंदगी निकालने के लिए एक
अवजार है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, हम उसको लक्ष्मी का स्वरूप इसलिए मानते हैं क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। बहुत लोग झाड़ू की पूजा भी करते हैं, पर इसके चोरी हो जाने से या किसी को दे देने से गरीबी नहीं आ जाती। आप मेहनत कर रहे हो तो धन आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप कोई भी काम नहीं करोगे या पड़े रहोगे तो भी वैसे ही भरे कुएँ खाली हो जाएंगे। तो इसलिए इस भ्रम में रह के हैवक में मत आइए। झाड़ू कोई ले जाता है तो आप गरीब हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, और आपको लगता है कि आपको फिर भी एक बहुत कंसर्न है, आप अपनी झाड़ू को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने पास रखिए, किसी को ले जाने मत दीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं झाड़ू बेड के नीचे डाल दी तो ये हो जाएगा, दीवाने के नीचे डाल दी तो ये हो जाएगा, सोफे के नीचे डाल दी तो ये हो जाएगा, आगे रख दी तो ये हो जाएगा, पीछे रख दी तो ये हो जाएगा, खड़ी कर दी तो ये हो जाएगा। कहीं तो रखेंगे सुसरी को, कहीं तो झाड़ू रखी जाएगी, कहीं तो डस्टर रखा जाएगा, कहीं तो पोछा बाल्टी रखी जाएगी। इतना पागल बना रखा है कि लिटरली लोग डरे हुए रहते हैं वास्तु के नाम पे। आपकी झाड़ू पोछा आप एक जगह रख दीजिए, एक अपनी छोटी सी कैबिनेट बनवा लीजिए लकड़ी की, उसमें झाड़ू पोछा बाल्टी सब रख दीजिए, ना वो दिखाई देगी ना आपके दिमाग में भ्रम पैदा होगा। इसी तरीके से चप्पल पे चप्पल हो गई, अरे अब तो ये हो जाएगा। जो चप्पल जूते हैं आप इनको क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, एक शू रैक बंद बनवा लीजिए। खुले शूज़ जो दिखते हैं ना, ये आपके दिमाग पे टेंशन क्रिएट करते हैं जब खुले जूते होते हैं, क्योंकि ये केतु का भी प्रतीक होते हैं और शनि का भी, तो आपके अंदर एक हलचल पैदा होती है, एक अनइजीनेस क्रिएट ये करते हैं। तो जब एक बंद कैबिनेट होगा जिसमें शूज़ हैं और आपने बंद कर दिया वो आगे से, तो वो दिखाई नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जूते के डब्बे में भी शूज़ दुकानों पे भी एक के ऊपर एक ही रखे होते हैं जूते, तो ऐसा तो है नहीं। पहले कहानी बच्चे लोग कहा करते थे चप्पल पे चप्पल पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो ये सब ये कहने की बकवास है। रियलिटी में आप जूते वाले की पुरानी जो जूते की दुकानें हैं वहाँ जाइए, मैं नई शोरूमों की बात नहीं कर रहा, आज भी पुरानी दुकानें हैं जूतों की, जहाँ ड्रॉर जो कैबिनेट्स होते हैं बड़े होते हैं, जूते पे जूता, जूते पे जूता रखा हुआ होता है लिटरली। वहाँ तो किसी को मार नहीं पड़ रही, उल्टा वो दुकानें ज़्यादा चलती हैं उन दुकानों के कंपैरिजन में जहाँ पे एक एक पीस लगा रखा होता है शोकेस की तरह बाकायदा लाइट के नीचे। तो थोड़े से इन वास्तुओं के भ्रमों को अपने माइंड से निकालेंगे तो आप बहुत हद तक नेगेटिविटी से बचेंगे। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि वास्तु में कि भाई आप ये चीज़ कर लो बहुत अमीर हो जाओगे, वो चीज़ कर लो बहुत अमीर हो जाओगे। आप वास्तु के सारे उपाय कर लो जितने करने, पर जब तक आप कंस्ट्रक्टिवली फिजिकली मेंटली मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो बिना मेहनत करे सब कुछ आपके पास आ जाएगा तो वो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ईश्वर ने आपको ये शरीर, मानव शरीर खासकर, इसीलिए प्रदान किया है कि खुद मेहनत करो, गड्ढा खोदो तो कमाओ तो खाओ। जिन दूसरों को अमीरों को देख के आपको जेलसी होती है और ये माइंड में थॉट आता है कि अरे इनको तो भरा हुआ मिल गया है तो मौज ले रहे हैं, वो भी मेहनत करते हैं तब कमा खाते हैं, या वो नहीं कर रहे तो उनके माँ बापों ने वो मेहनत करी है, वो दिन देखे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, तो आज उसका फ्रूट उनके बच्चे खा रहे हैं। तो आपकी प्रीवियस जनरेशन ने मेहनत नहीं करी उतनी कि वो आपके लिए करोड़ों छोड़ के जाते, तो आप मेहनत कर रहे हो और करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है। कोई भी इंसान टॉप पे है दिन रात काम करेगा तब है। हर जगह वास्तु नहीं वर्क करता, हर बंदा वास्तु नहीं मानता तो भी वो तरक्की करता है। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, कर्म करते हो, तो ऑटोमेटिकली फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। हाँ, कुंडली होती है, ग्रह होते हैं, किस्मत होती है, पर मेहनत आपके मंगल और शनि का प्रतीक है जो बहुत अहम है आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो आई होप आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं उस पर भी वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। और अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं या ब्लैक मैजिक से, तो आप हमारी धुनी घर में जलाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, एंड हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।